To watch more videos and support our channel Dalit Poetry and Literature, please subscribe. मैं आके हमारे बीच गढ़चिरौली के भामरागढ़ एरिया से लालसु जी और सैनू जी मौजूद हैं. लालसु सोमा नोगोट एक वकील हैं, फॉरेस्ट राइट एक्टिविस्ट हैं, लंबे समय से अपने इलाके में कार्य कर रहे हैं और पिछले साल वो जिला परिषद के मेंबर भी चुने गए थे. शायद वो अपने मडिया समुदाय से पहले लॉ ग्रेजुएट हैं और गढ़चिरौली में समुदायों के वनाधिकार में उनका एक प्रमुख रोल रहा है. महेश राउत जो जो जिनको जो अरेस्टेड लोगों में से एक हैं, वो इन्हीं लालसु जी सैनू जी के साथ ही काम कर रहे थे. तो मैं लालसु जी से दरख्वास्त करूंगी कि आप पहले अपनी लड़ाई के साथ साथ महेश जी के बारे में भी हम सभी को बताएं. सभी साथियों को जय सेवा, जय जोहर, इन क्लब जिंदाबाद, लाल सलाम. महेश के साथ में काम करने का एक बड़ा मौका मुझे और सैनू जी उस क्षेत्र में गढ़चिरौली जिले के गढ़चिरौली जिला में एक भामरागढ़ तहसील है. बहुत सारे लोग, मैं जब पुणे में पढ़ाई कर रहा था आईएलएस लॉ कॉलेज में, तो बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि गढ़चिरौली कहाँ है. तो महाराष्ट्र में ही गढ़चिरौली है, बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं. वहीं से आगे मार्ग के तरफ, अबुज मार्ग के तरफ एक भामरागढ़ तहसील है, वहाँ से मैं बिलोंग्स करता हूँ. इस देश का जो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है, जो देश के जो 75 प्रिमिटिव ट्राइब्स है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा माइनिंग्स हो रहे हैं, उसी कम्युनिटी से मैं भी आया हूँ और सैनू जी भी यहाँ पे है और सोनी सोरी जी भी यहाँ पे है. मुझे महेश के साथ काम करने का एक बड़ा मौका मिला. मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इस देश में गढ़चिरौली में जो 30-40 साल से जिस ग्राम सभाओं के साथ काम कर रहे हैं, जो एनजीओ के साथ काम कर रहे हैं, उससे ज़्यादा हम ग्राम सभाओं के साथ में जो उन लोगों ने नहीं कर पाया, जो कभी ग्राम सभाओं के माध्यम से जिन्होंने कभी बांबू बेचा नहीं है, बांस बेचा नहीं है, जिन्होंने खुद होकर डायरेक्ट कंपनी को बांस बेचा नहीं है ग्राम सभाओं का इस्तेमाल कर, ऐसे ग्राम सभाओं ने एटापल्ली तहसील के ग्राम सभाएँ हों, भामरागढ़ तहसील के ग्राम सभाएँ हैं, उन्होंने ऐतिहासिक रूप से बांस की बिक्री, तेंदुपत्ता की बिक्री करोड़ों रुपये से सैनू जी बताएंगे, जहाँ पे सूरजागढ़ में माइनिंग्स हो रहे, जिसको महेश विरोध कर रहा था. तो जिस माइनिंग को लॉयड्स एंड मेटल इंजीनियरिंग कंपनी को, जिसको 20 साल के लिए 40-42 करोड़ के लिए लीज में सरकार ने उस कंपनी को दिया है, एक ही साल में 20 साल में 40 करोड़ में सरकार ने दिया है. सैनू जी बताएंगे आपको कि एक ही साल में 60 करोड़ से भी ज़्यादा उसी जंगल से लोगों को तेंदुआ और बांस का उत्पन्न, सिर्फ तेंदुआ और बांस का ही लोग फिलहाल कर रहे हैं. तो इतना ज़्यादा उत्पन्न वहाँ से मिल रहा है. और आपको सबको मालूम है कि महेश को जिस तरह से UAPA का ये सब कानून के जो सेक्शंस लगाए, ग्राम सभाओं के माध्यम से हम हमेशा इसका, सरकार की इस नीति का, इस तरह के जो कार्य करते हैं, मतलब महेश को अभी अरेस्ट किए हैं 6 जून को, उसके पहले सैनू जी हो, मैं हूँ, सबके वहाँ पे जो जो लोग इस तरह से काम कर रहे हैं, जो जो लोग ग्राम सभाओं को सक्षमीकरण कर रहे हैं, जो जो ग्राम सभाओं का सक्षमीकरण कर रहे हैं, जो जो लोग कानून की बात कर रहे हैं, जो आदिवासियों के हक की लड़ाई की बात कर रहे हैं, उन सब के ऊपर 1 से 10 से लेकर 110 एक प्रिवेंशन सेक्शन है, उससे लेकर UAPA तक बहुत बड़े कलम सबके ऊपर लगाया है सैनू जी भी, कि महेश के साथ में उनके भी तारीख है, हम सब के तारीख चल रहे हैं कोर्ट में. तो इस तरह से उस क्षेत्र में जो जो आदिवासियों के साथ में काम कर रहे हैं, आदिवासियों के मतलब आदिवासी क्षेत्र में जो हमें माइनिंग्स हो रहे हैं, उसका विरोध कर रहे हैं, जो कानून की बात कर रहे हैं, उस सब के ऊपर केसेस लगाने का काम, छोटे छोटे केसेस से लेकर बड़े बड़े केसेस लगाने का काम सरकार, फिलहाल जो सरकार है वो कर रही है. आप सबको मालूम है कि महेश राउत PMRDF प्राइम मिनिस्टर रूरल डेवलपमेंट फेलो था, वो इस देश के एक बड़े मतलब एक व्यवस्था के एक प्रक्रिया के साथ में जुड़कर वहाँ के आदिवासियों के साथ में, जो माड़िया गोंड आदिवासी कम्युनिटी है उनके साथ में, वहाँ पे पेशा और वन अधिकार कानून, जो पेशा कानून 1994 में जो कानून देश के केंद्र शासन ने लाया है, लेकिन उसके जो रूल्स नहीं आए थे,
ऐसे ही अपने जैसे आपके जैसे जितने भी लोग हैं जिन्होंने संघर्ष किया, उन्होंने उनके सांस्कृतिक अधिकार को कायम रखने के लिए, जिनके आदिवासियों के साथ साथ अन्य जो आदिवासियों के साथ साथ जो अन्य लोग हैं वहाँ पे निवास कर रहे हैं उनके साथ जो लोग वहाँ पे हैं उनके जंगल पर अधिकार को देने के लिए सरकार ने पेशा कानून लाया। ये सब पेशा कानून हो, फॉरेस्ट राइट एक्ट के कानून हो, आदिवासियों के पक्ष में, दलितों के पक्ष में जो कानून आए उसका सही तरीके से प्रभावी रूप से अमल होना चाहिए। इसलिए महेश ने PMRDF प्राइम मिनिस्टर रूरल डेवलपमेंट फेलो जब थे तब से लेकर आज तक वो काम करते रहे। आदिवासियों में हम सब लोग उसी के माध्यम से, उसी के बात से, उसी के ये सब काम से प्रभावित होकर हम लोग ये सब कानूनों के साथ में एक कानूनी संघर्ष कर रहे, एक डेमोक्रेटिक राइट्स को लेकर एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया से वहाँ पे जो माइनिंग्स हो रहे हैं, वहाँ पे जो अन्याय हो रहा है, जो अत्याचार हो रहा है, उसका महेश अकेला नहीं है। महेश ग्राम सभाओं के साथ में हमेशा खड़ा रहा और ग्राम सभाएं फिलहाल अभी सैनू जी मेरे साथ में है तो ग्राम सभाओं ने लगभग 300 ग्राम सभाओं ने जो भामरागढ़ के तहसील के ग्राम सभाएं हैं, एटापली तहसील के ग्राम सभाएं हैं, कोरची के तहसील के ग्राम सभाएं, जो गढ़चिरौली जिले के अलग अलग क्षेत्र में जहां पे महेश ये सब कानून का अमल करने के लिए काम कर रहा था वहां के ग्राम सभाएं महेश के ऊपर जो UAPA कानून लगाया है वो उसका कोई बुनियाद नहीं है, उसका कोई भी ये नहीं है, इसलिए उसको बिन शर्त छुटका होना चाहिए। उसने जहाँ पे कोई भी व्यक्ति उसी कम्युनिटी से लोग जो लोग मैं हम लोग जैसे आदिवासी लोग जो शहर में जाके पढ़ने के बाद वो शहर में रहने लगे हैं, लेकिन महेश TIS में पढ़ाई करके जहाँ पे उसी समाज के लोग जाकर अपने गांव में काम नहीं कर पा रहे थे, ऐसे जगहों पर महेश ने जाकर एक बड़ा अवेयरनेस का काम, ये कानूनों का अवेयरनेस का काम ऐसे जगहों पर किया। आपको सबको मालूम है कि गढ़चिरौली मतलब अगर कोई नौकरी करता है तो उसको शिक्षा के लिए मतलब उसको पनिशमेंट के बेस पर गढ़चिरौली भेजा जाता है। ऐसे जगह पर महेश ने एक बड़ा काम, इस तरह से पेशा कानून हो, वन अधिकार कानून हो, बायोडाइवर्सिटी एक्ट इस तरह के कानून हो, एट्रोसिटी एक्ट का कानून हो, आदिवासियों के अन्य जो भी कानून है उसका अवेयरनेस आखिरी व्यक्ति को समझना चाहिए। हमारे जैसे लोगों को पकड़कर उसने करने का एक बड़ा काम किया था, उसको सरकार ने अभी नक्सलवादी ठहरा कर उसको जेल में डाला। तो हम सब एटापली के, भामरागढ़ के, कोरची के, धानोरा के, सिरोंचा के ग्राम सभाओं ने एक ठराव लिया। ठराव में यही लिखा कि महेश PMRDF फेल होता, वो नक्सलवादी नहीं है, उसने पेशा कानून, वन अधिकार कानून का अमल के लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर एक बड़ा काम किया है। इस तरह से हम लोगों ने मतलब एटापली तहसील के लोगों ने कलेक्टर को देकर राज्यपाल को इस तरह के निवेदन दिए हैं, एक ठराव सब कलेक्टर को देकर राज्यपाल को भेजने का काम किया है। लगभग 400-500 ग्राम सभाओं ने इस तरह का, उसका कुछ माइनर आएगा या नहीं आएगा मुझे मालूम नहीं है, लेकिन सरकार पर हम लोग इस तरह के थोड़ा सा प्रेशराइज करने के लिए हम एक इस तरह का प्रयत्न कर रहे हैं। जब मैं महेश को एज ए लॉयर करके अभी येरवड़ा जेल में पिछले महीने में पुणे में मिला था तो वो वही बोल रहा था कि उसको कभी भीमा कोरेगांव के बारे में कभी पूछा नहीं है। जब इन्वेस्टिगेशन चल रहा था उसको भीमा कोरेगांव के बारे में कभी पूछा नहीं है। उसको आप सुरजागढ़ में गए थे तो कहाँ रुके थे, आप झंडेपार में गए थे, मतलब सुरजागढ़, झंडेपार, दमकुंडावाई, ये सब जगह माइनिंग की जगह हैं, ये यहाँ पे जाने के बाद आप कहाँ रुकते हैं, नक्सलवादी को मिलते हैं, आपका वहाँ पे कौन है, हम सब लोग वहाँ पे काम करते हैं। तो वो उसको पुलिस वही पूछ रही का भीमा का कोरेगांव में गए थे या नहीं गए थे, ये उसको कभी भी पूछे नहीं है, लेकिन माइनिंग्स के बारे में पूछे हैं उसको। मतलब आप सबको मालूम है कि अभी पिछले अप्रैल मई में 40 नक्सलवादी को मारने का दावा सरकार ने किया है, उसमें से सबसे ज़्यादा गाँव के लोग थे, गाँव में रहने वाले लोग थे, 8 लोग गट्टेपल्ली के रहने वाले के लोग है, जो हमारे यहाँ पे शादी होने के लिए उन्हें जब गांव बाजू के गांव में शादी रहेगा तो अनमेरिड यूथ है तो गांव में उस गांव में मिलकर सब लोग शादी के लिए जाते हैं, तो इस तरह से वहाँ पे जा रहे थे, पुलिस ने उनको पकड़कर गोली मारकर उनको नदी में फेंक दिया। तो इस तरह से बहुत सारे जो केसेस है, महेश ने इसके इस तरह के केसेस को आगे लाने के लिए इस वहाँ के आदिवासियों का आवाज़ बनकर इस तरह के केसेस के बारे में वो हमेशा आवाज़ उठाते रहे, इसका हमेशा पुलिस को एक डर था। आपको मालूम होगा कि ये कोइन वर्सी करके सैनू जी के गांव के एक बगल में कोइन वर्सी एक गांव है, वहाँ पे एक आदमी माड़िया गोंड ये जो आदिवासी है, हंटिंग एंड गैदरिंग कम्युनिटी है, जंगल में शिकार करके
अपने उपजीविका करते हैं. तो इस तरह से वो शिकार करने के लिए गए थे पंछी. शिकार मतलब हंटिंग नहीं है, पंछी मारने के लिए गुल्लर पकड़ के वो शिकार करने के लिए गए थे. उस व्यक्ति को, उस लड़के को पकड़ कर नक्सलवादी का ड्रेस पहना कर पुलिस ने उसको फायर कर दिया, मतलब शूट कर दिया. और हेलीकॉप्टर बुला के उसका डेड बॉडी को एसपी के पास ले गए, हम नक्सलवादी को मार के लेके आइए करके बोले. तो इस तरह से बहुत सारे जगहों पर, रेकनार में भी इसी तरह के बहुत सारे घटनाएं हुए. इस तरह की घटनाओं का महेश और हम सब लोग हमेशा आवाज़ करते रहे, इस ऐसे मुद्दे को उठाते रहे. सरकार इसी इस तरह के मुद्दे को ये लोग उठाएंगे, इनका इनको थोड़ा सा वीक करना चाहिए. ग्राम सभाओं में सक्षम करने के लिए ये लोग काम कर रहे हैं. आपको सबको मालूम होगा इस देश में महेश के साथ मिलकर हम पहली बार ग्राम सभाओं का एक उम्मीदवार करके, मैं जिला पंचायत का मेंबर हूँ, सैनू जी भी जिला पंचायत के मेंबर है, लेकिन हम किसी पार्टी के नहीं है. इस देश में पहली बार इस तरह के एक नया मॉडल लाने का हम लोग प्रयास किए हैं, जो लोगों की ओर से आए, जनतेचा उम्मीदवार, पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव करके गाँव के लोगों ने. अगर इस तरह के माइनिंग के मुद्दे पर बात करना है, इस तरह के दमन के मुद्दे पर बात करना है, इस तरह के सरकार आदिवासियों को मारने का प्रयास कर रहे हैं, मार रहे हैं, दिन भर दिन मार रहे हैं, तो जंगल को लूट के लेके जा रहे हैं. इस मुद्दे पर अगर बात करना है तो वहाँ के ग्राम सभाओं को एक थोड़ा सा ऐसा लगा है कि हमारा व्यक्ति थोड़ा सा सिस्टम में जाना चाहिए. सिस्टम में जाकर जिला पंचायत के हाउस में क्यों ना हो, वहाँ पे बात करना चाहिए. यहाँ का जो अपना संसद है, मतलब देश में इस तरह अलग अलग मंचों पर जाकर इस तरह के वहाँ के मुद्दे आगे आना चाहिए. ऐसा सोचकर लोगों ने मुट्ठी भर चावल और 10 रुपये हर घर से जमा करके इस तरह से इलेक्शन करके वहाँ पे हम लोग जो पॉलिटिकल पार्टी थी पहले से, कांग्रेस हो, राष्ट्रवादी कांग्रेस हो, बीजेपी हो, इस सब का विरोध कर जनता की ओर से अपना उम्मीदवार खड़ा किया. और वहाँ पे भामरागढ़ जैसा जगह हो, एटापल्ली जैसे जगह हो, कोरची जैसे जगह हो, यहाँ पे इस तरह के उम्मीदवार आकर भामरागढ़ में हम लोगों ने अपना सरकार तैयार किया, जिसको हम लोग मावा नाटे मावा सरकार जिसको बोलते हैं, हमारे गाँव में हम ही सरकार. इस तरह का एक बड़ा एक प्रयोग, एक एक्सपेरिमेंट भामरागढ़ जैसे जगहों पर किया. ये सब चीज़ों का पॉलिटिकली एक बड़ा डर, इस तरह का अगर ये लोग सक्षम हो जाएंगे पॉलिटिकली और अपना आवाज़ को बुलंद करेंगे तो सरकार पर एक बड़ा प्रेशर था. इसलिए सरकार महेश जैसे हो, सैनू जी जैसे हो, हमारे जैसे हो, तो सब लोगों के ऊपर केसेस करने का काम एक प्रयास कर रहे हैं. और आपको एक और एक चीज़ मुझे बताना था कि भामरागढ़, हेटापल्ली सब जगहों पर जब पुलिस, मतलब कोई नक्सल का अगर कुछ सप्ताह होता है तो सब गांव के लोगों को, सभी क्षेत्र के लोगों को, जितने भी प्रौढ़ लोग हैं जिनके नाम उनके पास है, उन सब लोगों को डिटेन करते हैं. हम पिछले कई सालों से आवाज़ कर रहे हैं भाई, इलीगल डिटेन कर रहे हैं, मतलब उनको कोई नाम दे रहे हैं. वो 5 दिन 6 दिन 8 दिन उनके एक इस तरह से कैंप होता है, कैंप बनाकर एक बाहर जाना नहीं है, उधर जाना नहीं है, गाँव में जाना नहीं है, इस तरह से इलीगल डिटेन कर रहे हैं. पुलिस उसी समय उसका अलग एक हम लोग एक कैंप ले रहे हैं, एक मेड़ावा ले रहे हैं, इस तरह से नाम देकर वहाँ पे लोगों के ऊपर एक बड़ा अन्याय हो रहा है, एक अत्याचार हो रहा है. मैं हमेशा ये एक वहाँ के आदिवासियों के साथ में, उस क्षेत्र के लोगों के साथ में हम लोग काम करते हैं, तो एक आखिरी मुद्दा हम लोग हमेशा यही बोलते हैं कि आदिवासी का सब चीज़ उनके हाथ से छीना जा रहा है, उनका ज़मीन छीना जा रहा है, उनका संस्कृति कुछ भी नहीं है. मेरा नाम लालसु है, आप सबको लगा होगा कि इसका नाम ऐसा कैसा रखा है. वहाँ के आदिवासियों के नाम इस तरह जंगल से निर्भर होते हैं नाव, मतलब अगर पुरुष अगर कोई व्यक्ति, मतलब लड़का पैदा हो गया होता उसका नाम इरपा होता है, इरपा मतलब मोवा का जाड़, और लड़की पैदा हो गया तो इरपे होता है, मतलब वहाँ पे एक अलग, मतलब ये सब कौन सा महीना में पैदा हो गई लड़की तो उसका नाम पूसे होता है, मतलब एक पूस महीना है. तो इस तरह से महीना से, जंगल से, नदी से, उनके अलग अलग चीज़ों की ओर से उनके नाम है. आदिवासियों का सब नाम, उनके गाँव के नाम चेंज हो गए, उनके संस्कृति के नाम सब चेंज हो गए. तो इस तरह से उनके जंगल को लूट के लेके जा रहे हैं, जिस जंगल को वो पूजते हैं, जिस जंगल पर वो निर्भर है, निसर्ग पूजक हम लोग इसी बोलते हैं कि वो पहाड़ी को पूजते हैं, वो पेड़ को पूजते हैं. तो ये सब चीज़ को महेश ने वहाँ पे आकर एक बड़ा आवाज़, बड़ा एक आदिवासियों के साथ एक मजबूत से खड़े रहकर ये इस मुद्दे को उठाने का उसने बड़ा काम किया. सरकार ने डर कर इस तरह से केसेस किया और बहुत सारे इस तरह से केसेस करेंगे. हम मुझे लगता है कि हम ऐसे चीज़ों से नहीं डरना चाहिए, हम संघर्ष करेंगे, आगे भी इस तरह से काम करते रहेंगे. आपके साथ की हम लोग अपेक्षा करते हैं और हम लोग भामरागढ़ के सभी जिला के लोगों की ओर से हम लोग ये मांगते हैं कि आप सब लोग साथ देंगे. इसी आशा के साथ यही रुकता हूँ. जय सेवा, जय जोर.
बहुत शुक्रिया लालसु जी.